हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ़ोन आने पर आवाज़ नहीं आ रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है। और अब नीचे आकर फ़ोन वाले ऐप को खोजना है जिससे फ़ोन लगाते हैं। देखिए यहाँ पर है फ़ोन ऐप, इस ऐप पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कोई भी नंबर डिलीट नहीं होगा। तो अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और फिर से फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ से चेक करना है, अगर फ़ोन का वॉल्यूम कम रहेगा तो इसे फुल कर देना है। तो देखिए रिंगटोन वॉल्यूम यहाँ पर कम है, इसे हम फुल कर देते हैं। तो अगर आप फुल कर देते हैं तो जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो यहाँ से सही हो जाएगी। अब आते हैं नीचे और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, देखिए वाइब्रेट ऑन रिंग का, अगर ये ऑप्शन बंद होगा तो इसे आपको चालू कर देना है। इतना सेटिंग्स आपको चेक करना है, फिर आना है बैक और अब अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। इतना आप जैसे ही कर लेंगे जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी। तो अब चलिए हम कॉल करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम थी सब ठीक हो गई है, इस तरह आप में भी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।